हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का एक कंफ्यूजन जो बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है उसको दूर करने वाला हूं। और ये कंफ्यूजन क्या है कि एलटी ग्रेड की तैयारी करें हम, या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, या फिर हम प्राइमरी टीचर की तैयारी करें, हम किस वैकेंसी की प्रिपरेशन करें, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब किसी ने एमएससी किया, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या हुआ एलटी ग्रेड की तैयारी करें या फिर प्राइमरी टीचर की तैयारी करें। अब मेनली कंफ्यूजन क्या है और वैकेंसी किसकी पहले का आएगी, यह भी सोचने वाली बात है। तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होगी ये सबसे पहले आपको मिलेगी, क्लियर है। बाद में आपको किसकी वैकेंसी मिलने वाली है, 27,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी मिलेगी, और उसके बाद मिलने वाली आपको प्राइमरी टीचर की वैकेंसी मिलेगी सबसे आखिरी में जाकर। अब होगा क्या यहां पर कि स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों है, क्यों एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होगी आपको, जो लास्ट टाइम था वो 10,000 प्लस वैकेंसी थी एलटी ग्रेड में, तो अब यदि बढ़ती है वैकेंसी तो 11,000 प्लस हो सकती है वैकेंसी, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड की, तो इसकी वैकेंसी 11,000 हो गई मान लेते हैं। अब 11,000 होने के बाद ये क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होगी, इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बटी होगी, तो यहां पर हर सब्जेक्ट से वैकेंसीज कम हो जाएगी, किसी में 200 होगा तो किसी में 500, तो किसी में 900 वैकेंसीज भी होंगी किसी सब्जेक्ट में, तो यहां पर वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज चलने वाली है, क्लियर है। अब ये बचा आपके पास टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, तो यहां भी वैकेंसी क्या होगी आपको, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी टीजीटी पीजीटी में। अब इनकी वैकेंसीज में क्या फर्क है, यहां पर जो एडेड टीचर आप लगते हो और यहां पर आप सरकारी टीचर लगते हो, क्लियर है, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, यहां पर एडेड कॉलेज में आप टीचर लगते हैं। अब बात आती है प्राइमरी टीचर की, हम किसकी तैयारी करें, एलटी और प्राइमरी, इन दोनों वैकेंसीज को लेकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है कि हम किसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है यह वैकेंसी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। यह वैकेंसी यदि हम बात करें तो 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी, यानी कि 70 भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, तो 50,000 वैकेंसीज प्लस वैकेंसी है ये प्राइमरी टीचर की। अब प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज मिलेगी आपको दिसंबर के आसपास, वैकेंसीज आने की उम्मीद है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए आपको, यूपी टेट चाहिए, और यूपी टेट के फॉर्म आपने फिल कर लिया होगा, जिसने फिल नहीं किया होगा वो फॉर्म को फिल करके अपना भाई एग्जाम को क्रैक करना है आपने यूपी टेट का, तो यूपी टेट अगर आप क्रैक कर लेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब यहां पर वैकेंसीज 50,000 प्लस है और यहां पर 11,000 प्लस वैकेंसी है, तो किसकी तैयारी करें, यह एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, यहां पर सिलेबस भी काफी वाइड होगा, और सिलेबस वाइड होने के साथ साथ आपको 11th 12th पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर 11th 12th के सिलेबस पर आपकी अच्छी कमांड है तो आप इजिली एलटी ग्रेड का एग्जाम क्रैक कर पाओगे, और साथ ही पीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे इजिली, क्योंकि 11th 12th के सब्जेक्ट्स पर आपके कमांड होने चाहिए जो भी आपका सब्जेक्ट होता है। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा प्राइमरी टीचर में, यहां पर तो क्या है बेसिक लेवल का ही होता है। अब बेसिक लेवल में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, बट थोड़ा सा और आपने क्या लगाना होता है, अपना एफर्ट लगाना होता है, उसके बाद इस एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर लोगे। तो मेन जो रीजन है कंफ्यूजन का वह है वैकेंसी का, कि वैकेंसी सबसे ज्यादा प्राइमरी टीचर की है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आपने किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज है, आप सब्जेक्ट की तैयारी कर ही रहे होते हैं, आप सब्जेक्ट्स को पढ़ ही रहे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे में कम से कम अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, और 2 घंटे भी इसको आप देते हो प्राइमरी टीचर वाले को, 2 घंटे इसको दे दो, 6 घंटे यहां निकाल लो, या 4-4 आवर में डिवाइड कर लो इसको आप, तो ये दोनों चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, दोनों चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, क्योंकि वैकेंसी सबसे पहले किसकी मिलेगी, एलटी ग्रेड की। और जो जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, उन्होंने बीटीसी किया हुआ है, तो वो तो भाई प्राइमरी की तैयारी करो और कंप्लीटली फोकस के साथ आप प्राइमरी की तैयारी करो, बट जिन्होंने एमएससी किया, पीएचडी किया, बीएड किया, तो वो भाई जरूर एलटी ग्रेड की तैयारी करो। थोड़ा सा टाइम को बांटो, अपने आप को बांटो, समय दो दोनों सब्जेक्ट्स पर यहां, क्योंकि यहां पर आपको कुछ ही सब्जेक्ट तो और पढ़ने, एलटी ग्रेड में आप सब कुछ पढ़ रहे हो, आपने जीएस को पढ़ना ही है, मैथ्स पढ़ना ही है, और अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है, तो यहां पर थोड़ा सा और टाइम दोगे, 2-2.5 घंटे आपको दे रहा है, तो प्राइमरी लेवल की भी प्रिपरेशन आपकी
हो जाएगी। तो कंफ्यूज मत होइए कि किसकी तैयारी करें, एलटी की भी साथ साथ कीजिए और प्राइमरी की भी तैयारी कीजिए, और इस बार आप एग्जाम को क्रैक करके अपने आप को गवर्नमेंट टीचर जरूर बनाइए। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता हूं। बाकी किसी प्रकार की आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और मैं कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। हो सकता है कि लेट दूं बट आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो कंफ्यूज मत होइए, आप एलटी की तैयारी कीजिए और साथ के साथ पैरेलली बेस पे आप प्राइमरी की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी सबसे बाद में आएगी, आखिरी में वैकेंसी आएगी प्राइमरी की, यूपी टेट के रिजल्ट के बाद। बट इसमें यूपी टेट सी टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी वैकेंसी सबसे पहले मिलेगी आपको एलटी ग्रेड की। तो यह आप लोग रेडी रहिए और इस बार एग्जाम को क्रैक कीजिए। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम, और अपनी प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट फेम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।